हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह ज्ञान शिक्षा डिपार्टमेंट में। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल गैमेट के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल गैमेट के अंदर जो हमने मुख्य चीज पढ़नी है यानी कि हमने एग सेल तैयार करनी है। पिछली वीडियो में हमने मेल गैमेट पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था, उसके बाद आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, फीमेल गैमेट पढ़ेंगे। जब दोनों गैमेट पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे यानी कि निषेचन। आओ देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को कैसे होता है। पहले तो हम आपके जो जो फीमेल गैमेट होता है वो स्त्री केसर के यानी कि ओवरी के ओव्यूम भाग में होता है। किस भाग में होता है, ओव्यूल भाग या ओव्यूम भाग में होता है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो ए स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, मेरे साथ साथ आपने समझनी है और बनानी है। बीच में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखेगी, मैं बाय एक एक डायग्राम शो करते रहेंगे और उस पर नाम देते रहेंगे। तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी जिसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। यानी कि हिंदी में बोले तो भ्रूणपोष, और इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट भी इसी को बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी इसी को बोलते हैं। दूसरा, इसके ऊपर आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी, और ऐसे भरा होगा इसमें तरफ साली थोड़ी सी। इसको क्या है दोस्तों, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूसेलस बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, बीजांडकाय होती है। क्या होती है, बीजांडकाय। ये क्या होती है, बीजांडकाय। एक आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी इसमें, तो प्यारे दोस्तों जो ये आपने लास्ट बनाया है ये एक व्रंथ है जिसको बीजांड व्रंथ हिंदी बोलते हैं, बीजांड व्रंथ। यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते फिनिकल बोलते या फिनिकल बोलते हैं, फिनिकल इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फिनिकल बोलते हैं। उसके बाद देखो ये जो इस तरह के आपको संरचना दिखाई देगी इसके अंदर, ये जो उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसको हम इंटेगुमेनेंट बोलते हैं, इंटेगुमेनेंट। इंटेगुमेनेंट क्या बोलते हैं, इंटेगुमेनेंट बोलते हैं, यानी कि हिंदी बोले तो अध्यारण। हिंदी में से क्या बोलते हैं, ध्यान रखना इनका आगे जाकर हम यूज बताएंगे, एपोस्पोरी डिपोस्पोरी इसके बारे में जिक्र करेंगे तब इनका हम वहां पर जिक्र होगा। यार दोस्तों जो ये आपका सबसे पहला भाग दिखाई देता है यानी बीजांड का एक पहला सबसे पहला जो भाग होता है इसको हम कलेजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं। कलेजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कलेजा बोलते हैं। दूसरा, इसके अंदर प्यारे दोस्तों एक इस तरह का आपको गोड़ा मिलेगा, संरचना मिलेगी, अंदर सेल मिलेगी
इसको बोलते हैं हम मेगा स्पोर मदर सेल, इसको क्या बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, क्या बोलते हैं इसको मेगा स्पोर मदर सेल, क्या बोलते हैं इसको मेगा स्पोर मदर सेल, मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं मेगा स्पोर मात्र कोशिका, इसको आप सिंधी में से बोल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका समझ में आया होगा। दूसरा इसमें आपके इस तरह की कुछ संरचना दिखाई देगी अंदर ही, जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको इस तरह की कुछ संरचना दिखाई देगी, इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसको क्या कहा जाता है ग्रीन कलर से बनाया है, इसको क्या कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, इसको क्या बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। और जो आपको एक खाली भाग दिख रहा है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं मेगा स्पोरोसाइट, मेगा मेगा स्पोरोसाइट्स, क्या बोलते हैं इसको मेगा स्पोरोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं मेगा स्पोरोसाइट्स। ये सारी की सर एक ये बड़ा पार्ट आपका, इसको क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रो 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 पाइल, इसको क्या बोलते हैं माइक्रो पाइल। ये सारे के सारे जो हमने डायग्राम, जो डायग्राम के अंदर सब दिखाई, ये सारे के सारे इसके पार्ट हमारे पास बीजांड है, ये एक पूरा कंप्लीटली हमारे पास क्या होगा बीजांड होगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ओव्यूल, ये सारे के सारे पार्ट किसके है एक बीजांड के है,